शबरीमाला मंदिर में एक दलित व्यक्ति को प्रशिक्षित करके पुजारी के पद पर नियुक्त किया गया है, क्या महिलाओं के लिए भी जो पंडितों ने अपने घर की महिला को शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं किया है, क्या उनके लिए भी कोई योजना है? सबसे बढ़िया है मंदिर में क्यों पुजारी बने, घर में पति हैं उनके पुजारी बनने से सारा काम हो जाएगा। घर में भगवान है या नहीं, कुमारी कन्या है तो माता पिता भगवान के समान है। घर में परंपरा से कुलदेवी कुलदेवता हैं, वहाँ पोछा लगाइए आरती करिए, कौन मना करता है। विवाहिता हैं तो पतिदेव भगवान के रूप में हैं, सास ससुर भगवान भगवती के रूप हैं, उनकी आराधना कीजिए। परंपरा से जो घर में तुलसी का विरवा है, देवी देवता हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हुए कीजिए। लेकिन ईश्वर प्रदत्त प्रकृति प्रदत्त जो देवियों का शरीर है, अमुक आयु से लेकर अमुक आयु तक 3 दिनों की अशुद्धि उसमें स्वभाव सिद्ध है, तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल को लेकर दुराव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 45वें 46वें श्लोक का नाम मैं लेता हूँ, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमाभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। स्त्री अपने शास्त्र सम्मत दायित्व का निर्वाह करके भगवान को प्राप्त कर सकती है, पुरुष अपने शास्त्र सम्मत दायित्व का निर्वाह करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सावित्री ने पुजारी होकर नहीं, पति का अनुगमन करके भगवान यमराज को इतना द्रवित कर दिया, पतिव्रता थी, नभो मार्ग से आकाश मार्ग से जहाँ जहाँ यम जा रहे थे उनका पीछा किया, हेलीकॉप्टर से नहीं, और अंत में उनको प्रबंधित करके पति को जीवन दे दिया। पतिव्रत के द्वारा सारी सिद्धि मिल सकती है। रही बात पुजारी की, मैं तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, फिर दंडी स्वामी, फिर शंकराचार्य। विश्व में अगर आप सनातन धर्मी हैं तो मुझको जो पद प्राप्त है उसके समान या उससे बड़ा पद कोई नहीं है। चरम वर्ण माने ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है व्यक्ति, फिर चरम आश्रम दंडी स्वामी, फिर उसमें भी आचार्य का पद है। मैं भी पुजारी नहीं हो सकता तो शास्त्र ने मेरा तिरस्कार किया है क्या? हजारों विधि निषेध मेरे ऊपर भी लागू हैं, आपके ऊपर भी लागू हैं। पहले जो विधि निषेध है उसके पीछे लक्ष्य क्या होता है यह समझना चाहिए। सुनिए, विद्युत बिजली का आविष्कार किसी ने किया, प्रकृति प्रदत्त विद्युत तो हमको मेघमंडल बादल के माध्यम से दृष्टिगोचर है, लेकिन वैज्ञानिक ने अध्ययन करके जो विद्युत को प्रकट किया उसने कुछ विधि निषेध को भी प्रकट किया। विद्युत का उपयोग कैसे करें इसका नाम है विधि, विद्युत या बिजली का उपयोग कैसे न करें उसका नाम है निषेध। तो विद्युत के विशेषज्ञ ने जो विधि निषेध विद्युत के प्रयोग को लेकर निर्धारित किया है वो राग द्वेष मूलक है क्या? बिल्कुल नहीं। अज्ञान मूलक है क्या? बिल्कुल नहीं। उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोगता लाभ से वंचित न रहे और हानि प्राप्त न करे, यही ना। विधि निषेध का तात्पर्य क्या है? प्रयोगता माने प्रयोग करने वाला लाभान्वित तो हो, मीठा मीठा हब करवा करवा थू, लाभान्वित तो हो, हानि के चपेट में न पड़े, विधि निषेध का यही प्रयोजन है ना। जब विद्युत को लेकर जो विधि निषेध का निर्धारण किया गया है उसमें न राग है न द्वेष है न अज्ञान है। विशेषज्ञ ने राग द्वेष से रहित हृदय से जिस विधि और निषेध को क्रियान्वित किया है, लागू किया है, अमुक बैड कंडक्ट गुड कंडक्ट ये सब होता है। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए सदगति के अनेकों मार्ग हैं,
जिसको जो दायित्व प्राप्त है यज्ञोपवीत, देखिए जनेऊ यज्ञोपवीत जनेऊ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष परंपरा से जो है उनका समय पर होता है, लेकिन स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार विवाह ही हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में उत्पन्न जो देवी हैं अपने कुलशील के अनुसार यज्ञोपवीत संपन्न पति से विवाह हुआ ना, उस विवाह के बल पर ही यज्ञशाला में बिना जनेऊ के ही वो भी पति के बाईं ओर नहीं दाईं ओर बैठने का अधिकार मिल जाता है। पति के यज्ञोपवीत से पत्नी को विवाहिता विधिवत विवाहिता पत्नी को यज्ञशाला में और जितने कर्मकांड होते हैं शुद्ध दशा में भाग लेने का अधिकार मिल जाता है। अब रह गई बात पुजारी की, पुजारी की बात रह गई तो घर में कौन मना कर रहा है आरती कीजिए चित्रपट आदि के। अब जो शालग्राम है नर्मदेश्वर हैं उनके साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो तो बम हैं, बम से ज़्यादा भयंकर हैं। क्या क्या मंत्र जो होता है ना, अब कोई ओम ओम जपने लग जाए, गायत्री मंत्र जपने लग जाए, महामृत्युंजय मंत्र जपने लग जाए, बहुत से पुरुष भी बहुत सी देवियां भी, ये मंत्र तो एटम बम से ज़्यादा ऊर्जा वाले हैं, ये तो विस्फोट कर देते हैं। उदाहरण ले लीजिए, दवाएँ तो सब हैं लेकिन किस रोगी को कौन सी दवा कितनी मात्रा में विशेषज्ञ के द्वारा दी जाए तब कल्याण होगा। इसलिए साधन तो पुजारी होने से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता ये तो नहीं है। पुजारी होने पर अगर पूजा का अर्य न हो, मैं व्यंग में बोल रहा हूँ, अर्य माने दुश्मन न हो, तब सदगति होगी, नहीं तो पुजारी पूजा का दुश्मन बन गया, भगवान को निवेदित करने योग्य सामग्री का उपभोक्ता बन गया बिना निवेदन किए, या प्रसाद का बिना वितरण किए सारा प्रसाद खा गया तो पाप भी लग सकता है। इसलिए पुजारीन पुजारी होने की आवश्यकता नहीं है, आप जहाँ अधिकृत हैं आपके कल्याण के लिए उतना पर्याप्त है। एक चीज़ और सुन लें, इनके ब्यास से सब सुन लें, वाचस्पति मिश्र भामतीकार ने लिखा विधि में श्रद्धालु अधिकृत होते हैं, आपकी श्रद्धा है पालन कीजिए, नहीं श्रद्धा है मत पालन कीजिए, निषेध में आपकी श्रद्धा काम नहीं करती, चार खाने चित्त हो जाएंगे। लिखा है सावधान इतना वोल्टेज, ये निषेध हुआ, निषेध में आपको निषेध का पालन करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो करंट लगेगा मर जाएंगे। इसका मतलब विधि में श्रद्धालु अधिकृत होता है, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग चाहिए तो आप याग कीजिए, नहीं चाहिए मत कीजिए, बेट पुत्र रत्न चाहिए तो पुत्रेष्टि कीजिए, नहीं चाहिए तो मत कीजिए, का वर्षा चाहिए तो कारीरी याग कीजिए, नहीं चाहिए तो मत कीजिए। लेकिन शास्त्र ने जहाँ निषेध कर दिया उस निषेध की अवज्ञा की तो चार खाने चित्त हो जाएंगे। इसलिए पुजारी भी अगर कोई अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके बनता है तो भी नरक में जा सकता है। तो नरक में जाने थोड़े है, स्वर्ग में जाना है, वैकुंठ में जाना है। अब स्वर्ग और वैकुंठ का मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है जितना जिसके लिए दायित्व दिया है उस दायित्व का निर्वाह करके अपनी सीमा में। अब हम यात्री तो हो सकते हैं, रेल के ड्राइवर होने चले जाएं तो अपना भी न क्या प्राण गंवाएंगे औरों का भी। इसलिए जो जहाँ अधिकृत है हमारे कल्याण के लिए हमको शास्त्र ने जो बताया उतना पर्याप्त है। इधर उधर हाथ मारने पर क्या होगा, फिसलना होगा। इधर उधर हाथ कौन मारता है, जो प्राप्त दायित्व का निर्वाह नहीं करता है। चुटकुला में सुना दूं, एक बार एक महात्मा जी हमारे मित्रों में, अब वो नहीं रहे माधवाश्रम जी महाराज, उनकी मिनी बस जैसी कार थी, बस ही समझ लीजिए, उसी से वो यात्रा करते थे। हम लोग हरिद्वार से दिल्ली आ रहे थे, एक उसमें विश्वंदु परिषद के महानुभाव भी थे, वो धर्मसंघ वाले हमारी संस्था के लोग ज्यादा थे, वो आपस में बात करते जा रहे थे। मेरठ में उनको उतरना था सज्जन को, तब तक मेरठ आ गया। हमने कहा कि आप टिप्पणी कुछ कीजिए,
ये लोग जब विचार विमर्श कर रहे थे, मैं शंकराचार्य थे, उन्होंने कहा कि इन लोगों को समय कैसे मिल जाता है अनावश्यक चर्चा करने के लिए। हम विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति हैं, हमको तो 5 मिनट इधर उधर चर्चा करने के लिए समय नहीं मिलता है। समझ गए ना? इसका मतलब जितना दायित्व मुझे दिया गया है शंकराचार्य के रूप में, उतना दायित्व निर्वाह कर लूँ तो पूरे विश्व में रामराज्य न हो जाए, भारत में रामराज्य न हो जाए। समझ गए? एक एक महिला को जितना दायित्व दिया गया, स्त्री को, उतना दायित्व का पालन कर ले तो सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर, अवधूतों के अवधूत न बन जाए। जब हम अपनी सीमा में दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं तो दूसरे के दायित्व भी हम ले लें। इसका मतलब अपना दायित्व तो पालन किए बनता नहीं है, दूसरे का दायित्व क्या लें?